आज हम बनाएंगे करेले की बहुत ही टेस्टी और अच्छी रेसिपी जिसे सभी को बहुत पसंद आएगा। और करेली तो आजकल खाना बहुत ही ज़रूरी है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले करेली को हम बहुत अच्छी तरह से धो लेंगे और धोने के बाद इसे दो भागों में काट लेंगे। और इसे हम क्या करेंगे कि एक कुकर लेंगे और कुकर में करेली को डाल देंगे और बहुत ही थोड़ा पानी डाल देंगे। बहुत ही थोड़ा डालें, आधा ग्लास से भी मैंने कम यहाँ पानी को डाला है। और साथ में हम थोड़ा सा डाल देंगे इसमें नमक, तो बहुत थोड़ा नमक डाल दें और एक पिंच के करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। आप इस तरह हल्का सा नमक और हल्दी डालकर बॉयल इसे करेंगे तो आपका जो करेली है बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा और बड़े तो खाएंगे ही, बच्चे भी इसे ज़रूर खाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसे लीड लगा देंगे और इसे बॉयल कर लेंगे। तो इसे हाई फ्लेम पे दो सीटी से लगने दें तो ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा जो करेली बिल्कुल अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया था और ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम एक चम्मच की सहायता से इसे के जो बीज हैं हम ऐसे निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से ये बीज निकल जाएगा। तो सारे बीज को निकाल दें। वैसे बीज किसी को पसंद नहीं करेली का, तो हम करेली का बीज को इसमें नहीं डालेंगे। तो सारे बीज को मैंने यहाँ निकाल लिया है और क्या करेंगे, एक स्पून की सहायता से इसे हम मैश कर लेंगे। आप इसे हाथों से या मैशर से जैसे चाहे इसे मैश कर लें। और ये बहुत ही इजीली मैश हो जाएगा क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से बॉयल किया है। और इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ मिर्चा को। तो मिर्चा को अपने ध्यान से डालें और इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ एक प्याज को डाल दें। अगर आप प्याज नहीं खाते तो कोई बात नहीं, ये बिना प्याज के भी बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसमें हम डाल देंगे नमक, तो नमक को भी ध्यान से डालें। और इसमें हम डाल देंगे एक नींबू का रस, तो नींबू इसमें ज़रूर डालें। अगर आपके पास नींबू नहीं तो कोई भी खट्टा चीज़ इसमें डाल दें। और इसी के साथ हम डाल देंगे एक चम्मच के करीब यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यह हमारी बहुत ही टेस्टी करेली का ये चोखा या सब्जी जो भी कहें बन के रेडी है। ये सभी को बहुत पसंद आएगा और ये फ़ायदा भी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें।